आज मैं बनाने जा रही हूँ तरबूज के छिलके का ट्रूटी फ्रूटी। इसके लिए ये तरबूज ले रखी हूँ, तरबूज का छिलका। और ये जो छिलका है इसको हम छील के इसको बारीक छोटा छोटा काट लेंगे। इसको हम ये देखिए ऐसे हमें छील लेना है सारे तरबूज को। ये देखिए ऐसे ऐसे काटने हैं, इतने छोटे छोटे पीसेस में। अब हम एक पैन में पानी गरम करेंगे। इस पानी में हम ये तरबूज जो हम काट के रखे हैं इसको डाल लेंगे। सारे तरबूज के जो कटे हुए पीसेस है इसको डाल लेना है इसमें। और इसे 6 से 7 मिनट तक हमें पका लेना है। अब ये हमारा बन के तैयार हो गया। ये अब इसको हम छन्नी से निकाल लेंगे सारे कटे हुए पीसेस को। अब उसी पैन में हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। और 1 कटोरी चीनी। अब ये जो पानी है इसको हम गरम कर लेंगे। ये पानी गरम हो गया है, अब इसमें हम ये कटे हुए पीसेस डाल देंगे। और इसको भी हम 5 से 6 मिनट तक हम पकाएंगे। अभी हमारा तैयार हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे।
इसे अलग अलग कटोरी में निकालना है हमें। और थोड़ा सा इसमें ये चाशनी डाल देना है चीनी वाला। अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डाल के हमें इसे कम 12 से 13 घंटे तक हम इसे छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही चाशनी में डुबा के। उसके बाद हमें इसे निकाल के सुखा देंगे। हम इसको चाशनी से निकाल के इसको हम सुखाएंगे। ये 12 से 13 घंटे हो गया है ये। हम इसको अब छान लेंगे। ऐसे ही सारा छान लेंगे हम सारे टूटी फ्रूटी को। और इसको ड्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे। 5 से 6 घंटे बाद हमारा ये ड्राई हो जाएगा। ये देखिए हमारा तैयार हो गया टूटी फ्रूटी। अब इस बचे हुए जो इसका रस है ये चीनी का घोल, इसको आप जूस में यूज कर सकते हैं। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारा तैयार हो गया है टूटी फ्रूटी।